हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश अलगुंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इस मेथड की शुरुआत की थी, जिस पर 4 मार्क का एक कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है, और पिछले वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इनटू ब्रैकेट में 2 + log x इनटू dx डिवाइडेड बाय 3 + log x। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, इंटीग्रेंड है लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इनटू 2 + log x इंटू 3 + log x। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट सिर्फ हमें यहाँ पे सेपरेट दिया गया है। यहाँ पे ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस ब्रैकेट को यहाँ पे इधर सेपरेट में दिया गया है, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में ही है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह निकालना है। तो यहाँ पे इस इंटीग्रैंड को अगर हम देखें तो हमें लॉग एक्स के टर्म दिखाई दे रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/x यानी कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव भी इसी इंटीग्रैंड में हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसके बाद हम जो इंटीग्रैंड मिलेगा उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन इस मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर में हम लिखेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 2 + log x इंटू 3 + log x इंटू dx। तो ये है हमारा दिया गया इंटीग्रल, इसे हम आई कंसिडर करेंगे। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी, और सब्स्टिट्यूशन के बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, विच इम्प्लाइज़ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू dx इक्वल टू dt। तो ये डेरिवेटिव हमें मिलेगा। ये दोनों वैल्यू अब हम इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटीग्रल देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, लॉग एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए 2 + log x, इसे हम लिखेंगे 2 + t, और 3 + log x को हम लिखेंगे 3 + t, और यहाँ पे जो 1/x इंटू dx है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, dt, इसे हम साइड में लिखेंगे इंटू dt। तो ये हमें मिलेगा इंटीग्रल आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। अब इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे जो हमें इंटीग्रैंड मिल रहा है, यहाँ पे ये क्या है, अल्जेब्रिक फंक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या है, अल्जेब्रिक रैशनल फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, और ये टी वेरिएबल में है। ओके, अल्जेब्रिक फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके इंटीग्रेशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो इंटीग्रैंड है इसे हम सेपरेट ले लेंगे, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे नाउ कॉमा टी डिवाइडेड बाय 2 + t इंटू 3 + t इक्वल टू, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2 + t + b / 3 + t। तो ये केस फर्स्ट का पार्शियल फ्रैक्शन है, इसके लिए हमें 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करने होंगे। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से हमें इक्वेशन 3 बनाना है, जिसे सिंप्लीफाई करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरह बनेगा दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर यानी कि टी इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो एलसीएम मिलेगा उसका सिर्फ न्यूमरेटर लिखना है। ओके, क्योंकि दोनों साइड का डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद न्यूमरेटर क्या आएगा, a इंटू 3 + t + b इंटू 2 + t। तो ये मिलेगा हमें इक्वेशन नंबर 3, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे जो हमें डिनोमिनेटर में 2 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम 1/10 करके इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 + t इस फैक्टर को 0 करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे t की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट टी इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3 कॉमा वी गेट, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगी, t की जगह पे हम रखेंगे -2, तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा -2, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या होगा,
सेकंड टर्म ज़ीरो हो जाएगी और फर्स्ट टर्म में क्या होगा, थ्री प्लस माइनस टू यानी कि थ्री माइनस टू होगा वन और वन इंटू ए होगा ए। ओके, तो ये राइट हैंड साइड मिलेगी और इस इक्वेशन से हमें ए की वैल्यू मिलेगी माइनस टू। तो ये हो गई ए की वैल्यू, तो ये हो गई ए की वैल्यू। अब इसके बाद हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम सेकंड फैक्टर जो है थ्री प्लस टी उसे हम ज़ीरो करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू माइनस थ्री सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, पुट टी इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा माइनस थ्री और इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगी और सेकंड टर्म में टू प्लस माइनस थ्री यानी कि टू माइनस थ्री यहाँ पे होगा माइनस वन और माइनस वन इंटू बी होगा माइनस बी। और इस इक्वेशन से हमें यहाँ पे बी की वैल्यू क्या मिलेगी, फाइनली थ्री। दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, थ्री। अब ये दोनों वैल्यू यानी कि ए और बी की वैल्यू हम इक्वेशन टू में रखेंगे और इक्वेशन टू क्या है, इंटीग्रैंड है। तो डायरेक्टली हम जो इंटीग्रैंड है इक्वेशन टू में उसकी वैल्यू इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटीग्रैंड की जगह पर। तो हमें इक्वेशन वन क्या मिलेगा, देखिए देयर फोर इक्वेशन वन बिकम्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे जो इक्वेशन वन में इंटीग्रैंड था उसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है इक्वेशन टू में, जिसमें हम ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रैंड इन ब्रैकेट ए की वैल्यू माइनस टू डिवाइडेड बाई टू प्लस टी प्लस बी की वैल्यू थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टी ब्रैकेट क्लोज इन टू डी टी। ओके, अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे इस इंटीग्रैंड का बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म में माइनस टू ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा माइनस टू इन टू यहाँ पर क्या बचेगा, वन डिवाइडेड बाय टू प्लस टी जो कि कंपोजिट फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ टू प्लस टी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ टू प्लस टी, लेकिन डेरिवेटिव तो वन होगा उसे हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म में क्या होगा, प्लस यहाँ पे ये थ्री कांस्टेंट एज इट इज़ इनटू यहाँ पे वन बाय थ्री प्लस टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ थ्री प्लस टी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ थ्री प्लस टी। तो यहाँ भी डेरिवेटिव वन होगा तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे डिवाइडेड बाय वन, और आगे यहाँ पे प्लस कांस्टेंट सी, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनली बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में दिया गया था तो आंसर भी हमें एक्स वेरिएबल में ही चाहिए, तो हमें यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, आई इक्वल टू ये माइनस टू इन टू लॉग ऑफ यहाँ पे क्या है, टू प्लस टी है जो आफ्टर बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद हो जाएगा टू प्लस टी की वैल्यू लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस थ्री इंटू लॉग ऑफ इंटू ब्रैकेट में थ्री प्लस टी की वैल्यू लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और बाद में पार्शियल फ्रैक्शन करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है यानी कि इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ब्रैकेट में टू प्लस लॉग एक्स इंटू अनदर ब्रैकेट टू इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों पहले क्वेश्चन जैसा ही है, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और बाद में पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रैंड में लॉग एक्स है टर्म है और उसका डेरिवेटिव वन बाई एक्स इसी इंटीग्रैंड में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे आंसर देखते हैं इसका, आंसर में हम लिखेंगे स्टार्टिंग में लेट आई इक्वल टू ये दिया गया इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ब्रैकेट में टू प्लस लॉग एक्स इंटू अनदर ब्रैकेट टू इंटू लॉग एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे पुट लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू टी, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव इस इंटीग्रैंड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, विच इम्प्लाइज लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हमें मिल रही है, ये दोनों वैल्यू हम इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा दोस्तों, इस ब्रैकेट में होगा टू प्लस टी और इस ब्रैकेट में होगा टू टी माइनस वन और ये वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे हम लिखेंगे डी टी यानी कि इंटू ये डी टी, इसे हम थोड़ा सेपरेट लिखेंगे साइड में। और ये जो हमें इंटीग्रल मिल रहा है इसे हम लिखेंगे
इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे जो इंटीग्रेंड हमें मिल रहा है वो क्या है दोस्तों, अल्जेब्रिक रैशनल फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर में हमें दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं जिसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे नाउ कॉमा ये इंटीग्रेंड 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी इंटू 2 टी माइनस 1 इक्वल टू, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो दो अल्फ़ाबेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये होगा a डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 टी माइनस 1। ओके, तो ये होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन से हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन नंबर 3, तो किस तरह बनाएंगे, डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर यानी कि 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो न्यूमरेटर मिलेगा वही हम यहाँ पे लेंगे, तो क्या मिलेगा न्यूमरेटर, a इंटू 2t माइनस 1 प्लस ये b इंटू 2 प्लस टी। ओके, तो ये हमें इक्वेशन मिलेगा कंप्लीट, 1 इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट 2t माइनस 1 प्लस b इंटू 2 प्लस टी, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, इन दोनों को हम 1/1 ज़ीरो करते हैं, तो पहले हम 2 प्लस टी इसे ही ज़ीरो कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट टी इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 3 कॉमा वी गेट, तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या वैल्यू मिलेगी देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहेगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या होगा, सेकंड टर्म 0 हो जाएगी ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, और फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म में क्या होगा देखिए यहाँ पे 2 इंटू माइनस 2 ये होगा माइनस 4, और माइनस 4 और ये माइनस 1 ये इन दोनों के एडिशन होगी माइनस 5, और माइनस 5 इंटू ए होगा माइनस 5 ए। ओके, तो 1 इक्वल टू माइनस 5 ए ये इक्वेशन हमें मिलेगा, और इस इक्वेशन से हमें ए की वैल्यू फाइनली मिलेगी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें ए की। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, तो उसके लिए हम ये जो सेकंड फैक्टर दिखाई दे रहा है 2t माइनस 1 इसे हम ज़ीरो कर लेंगे। ओके, तो इसको ज़ीरो करने के लिए हमें टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करनी होगी, टी इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही ये ब्रैकेट ज़ीरो होगा। दोस्तों अगर आपको किसी ब्रैकेट को अगर ज़ीरो करना हो और आपको पता नहीं चल रहा हो कि क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो सिंपली आपको क्या करना है देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे ये डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करें जिसकी वजह से ये ब्रैकेट ज़ीरो हो जाए, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट लेना है 2t-1 इक्वल टू यहाँ पे लेना है 0, और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो हमें टी की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे हमें टी की वैल्यू 1/2 लेनी होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट टी इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3 कॉमा वी गेट, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहेगी इक्वल टू यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या होगा देखिए, अब टी इक्वल टू 1/2 ये वैल्यू फर्स्ट टर्म में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये ब्रैकेट ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और सेकंड टर्म में क्या होगा 2 प्लस 1/2 ये क्या होगा 5/2 होगा, और 5/2 इंटू बी होगा 5/2 बी, और इस इक्वेशन से हमें बी की वैल्यू फाइनली मिलेगी क्या 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गई हमारी बी की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, किस तरह से, पहले हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखेंगे। ओके, यानी कि इंटीग्रैंड की वैल्यू हम लिखेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे क्या होगा देखिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या था इंटीग्रैंड 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी इंटू 2t-1, ये था इंटीग्रैंड इक्वेशन 1 का जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था इक्वेशन 2 में, और उसमें उसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया है और एक a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 2 में लिखेंगे और इक्वेशन 2 की वैल्यू यानी कि इंटीग्रैंड की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में लिख देंगे, तो हमें यहाँ पर इस तरह मिलेगा इंटीग्रैंड इन ब्रैकेट a की वैल्यू -1/5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी प्लस बी की वैल्यू 2/5
डिवाइडेड बाय 2t-1 ब्रैकेट क्लोज इनटू dt। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए I इक्वल टू फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट है -1/5, इसे हम सेपरेट लिखेंगे -1/5 इनटू यहाँ पे क्या बच रहा है, 1/2 + t जिसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ 2 + t, प्लस यहाँ पे सेकंड टर्म में कांस्टेंट क्या है 2/5 है, तो इसे हम लिखेंगे +2/5 इनटू यहाँ पे क्या बचेगा 1/2t-1 जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ 2t-1 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2t-1। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। ओके, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और ये प्लस कांस्टेंट c, तो ये मिलेगा हमें इंटीग्रेशन, क्योंकि ये क्या था, कंपोजिट फंक्शन था। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सिंप्लीफाई करके क्या कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म में हमें मिलेगा -1/5 इंटू लॉग ऑफ यहाँ पे 2 + t है, तो यहाँ पे होगा 2 + log x, और यहाँ पे देखिए प्लस, अब यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का 2 और ये न्यूमरेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे कांस्टेंट फाइनली क्या मिलेगा दोस्तों, 1/5 मिलेगा। यहाँ पे मैंने गलती से 2/5 लिख दिया था, यहाँ पे हमें मिलेगा 1/5 इंटू लॉग ऑफ ब्रैकेट में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पे 2 × t की वैल्यू log x -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमें मिलेगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आफ्टर बैक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है दोस्तों, स्टार्टिंग में हमने सब्स्टिट्यूशन किया और सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड इस्तेमाल की है। ओके, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x-3 डिवाइडेड बाय x³-3 × x²-16x + 48 × dx। तो ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेंड क्या दिया गया है, x-3 / x³-3 x²-16x + 48। ओके, तो ये है इंटीग्रेंड। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले इस डिनोमिनेटर को हमें फैक्टराइज़ करना होगा। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है दोस्तों, 3 है, यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसको फैक्टराइज़ करने के लिए आप जानते हैं क्या करना होगा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और इसका फैक्टराइजेशन आपको करना होगा। और यहाँ पे इसके फैक्टर जो मिलेंगे उसे हम बाद में सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकालेंगे उस इंटीग्रेंड का। ओके, तो यहाँ तो हम आंसर में यहाँ पर लिखेंगे स्टार्टिंग में लेट आई इक्वल टू ये दिया गया इंटीग्रल। अब हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप करेंगे, इस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो जो कैलकुलेशन होगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड का, आपको वो रफ में ही करना है और यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लेंगे इसके फैक्टर। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड का कैलकुलेशन आप जानते हैं, 10वीं कक्षा में आपने ये पढ़ा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसे ले लेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे न्यूमरेटर x-3 एज इट इज़ और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो हमें यहाँ पे फैक्टर क्या मिलेंगे, देखिए डायरेक्टली हम यहाँ पे लेंगे x-3 × x-4 × x+4। तो ये फैक्टर हमें यहाँ पे मिलेंगे आफ्टर सिंथेटिक डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करने के बाद, और ये इंटू dx एज इट इज़। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमें फैक्टर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये न्यूमरेटर का x-3 और ये डिनोमिनेटर का x-3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है। तो हमें आफ्टर कैंसलेशन हमें यहाँ पे इंटीग्रल क्या मिलेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 यहाँ पे देखिए ये दो ब्रैकेट बचेंगे, x-4 × x+4 × dx। तो ये मिलेगा हमें इंटीग्रेंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे जो हमें ये इंटीग्रेंड मिल रहा है, इसे हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, आंसर में हम लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ कॉमा ये इंटीग्रेंड यानी कि 1/x-4 × x+4 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट a/x-4
प्लस सेकंड अल्फाबेट बी डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर एक्स प्लस फोर, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर टू। यह है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन इस इंटीग्रैंड का। अब इससे हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इक्वेशन थ्री बनाना है, यानी कि नेक्स्ट इक्वेशन, जिसे हम सिंप्लीफाई करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह बनाएंगे वो इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर यानी कि वन इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो एलसीएम लेने के बाद जो न्यूमरेटर मिलेगा वो न्यूमरेटर हमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए इंटू एक्स प्लस फोर, ओके, प्लस यहाँ पे b इंटू एक्स माइनस फोर, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सिर्फ न्यूमरेटर लेना है एलसीएम का, और डिनोमिनेटर लेने की ज़रूरत नहीं है दोनों साइड का क्योंकि वो सेम रहेंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमरेटर लेंगे और इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर थ्री, ओके। अब यहाँ पे जो हमें इक्वेशन थ्री मिल रहा है इसमें हमें दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहे हैं जिनको हम वन बाय वन ज़ीरो करेंगे। यहाँ पे हम पहले x माइनस फोर इस ब्रैकेट को ज़ीरो कर लेंगे, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फोर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट x इक्वल टू फोर इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी केट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वन मिलेगी और राइट हैंड साइड में क्या होगा, फोर प्लस फोर होगा यहाँ पे एट, और एट इंटू ए होगा एट ए, प्लस यहाँ पे सेकंड टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि हमें सब्स्टिट्यूशन के बाद ये इक्वेशन मिलेगा। और इस इक्वेशन से हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ये एट इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ए की वैल्यू हो जाएगी वन बाय एट, ओके। तो ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट की वैल्यू हमें इस तरह मिलेगी वन बाय एट। अब इसके बाद हम सेकंड अल्फ़ाबेट यानी कि बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस फोर इस ब्रैकेट को ज़ीरो करेंगे, जिसके लिए हमें एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी माइनस फोर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस फोर इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड वन इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगी, सेकंड टर्म में क्या होगा माइनस फोर ये हो जाएगा माइनस एट, और ये इंटू बी यानी कि माइनस एट बी, और इस इक्वेशन से हमें बी की वैल्यू मिलेगी माइनस वन डिवाइडेड बाय एट। तो ये दोनों वैल्यू इस तरह हमें मिल जाएंगी, और जो हमें क्या करना है इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करना होगा, और इक्वेशन टू की वैल्यू हम इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फाइनली हम इस तरह लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, देखिए हमें इक्वेशन वन क्या मिलेगा यहाँ पे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेंड क्या था दोस्तों, वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर, जिसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा था इक्वेशन टू में, और उसी इक्वेशन में हम ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो वैल्यू इक्वेशन टू की हम इक्वेशन वन में लिखेंगे इंटीग्रेंड पे जगह, इंटीग्रेंड की जगह पे, ओके। तो ये हमें इस तरह मिलेगा इन ब्रैकेट में ए की वैल्यू वन बाई एट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर, प्लस बी की वैल्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई एट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर ब्रैकेट क्लोज इन टू डी एक्स, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन हम बाय यूजिंग फार्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म में वन बाय एट ये कांस्टेंट है जिसे हम एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर, जिसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस फोर। तो यहाँ पे डेरिवेटिव तो वन होगा जिसे हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद सेकंड टर्म में माइनस वन बाय एट ये कांस्टेंट है, इसे हम सेपरेट लिखेंगे माइनस वन बाय एट इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर, जिसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस फोर। यहाँ भी डेरिवेटिव वन ही होगा तो हम उसे नहीं लिखेंगे, और प्लस कांस्टेंट सी, क्योंकि हमने दोनों का इंटीग्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म में वन बाय एट वैल्यू कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, वन बाय एट इंटू ब्रैकेट में मिलेगा लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट सी। और फाइनली यहाँ पे ये जो ब्रैकेट हमें मिल रहा है लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर, इसे हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करके इस तरह लिख सकते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी लॉग ए माइनस लॉग बी, जिसकी वैल्यू होती है लॉग ऑफ ए बाय बी। तो ये क्या मिलेगा हमें, देखिए आई इक्वल टू ये वन बाय एट कॉन्स्टेंट एज इट इज़
इनटू इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट सी। तो ये मिलेगा हमें फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो इस तरह से हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो इंटीग्रैंड में हमें डिनोमिनेटर दिया गया था उसे हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से फैक्टराइज़ करके उसके फैक्टर हमने यहाँ पे बना लिए थे, और सिंप्लीफाई करके जो इंटीग्रैंड हमें मिला था उसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से क्या किया है, इंटीग्रेट किया है इस क्वेश्चन में। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इंटू डी एक्स। ओके, तो ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों जो ब्रैकेट हमें दिखाई दे रहे हैं दोनों क्या है, इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन हमें यहाँ पे केस थर्ड नहीं यूज़ करनी है पार्शियल फ्रैक्शन की। यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, टू एक्स होता है, जिसमें से यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इनकम्प्लीट डेरिवेटिव प्रेजेंट है इसी इंटीग्रैंड में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसके बाद जो इंटीग्रैंड मिलेगा उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे और उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे लेट आई इक्वल टू ये दिया गया इंटीग्रल। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी और उसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, लेकिन हमारे इंटीग्रैंड में टू एक्स इंटू डी एक्स नहीं है, सिर्फ एक्स इंटू डी एक्स है। ओके, तो यहाँ पे ये जो टू है इसे हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ये टू इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमें मिलेगा इक्वल टू वन बाय टू इंटू डी टी, यानी कि एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू होगी वन बाय टू डी टी। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रैंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए एक्स इंटू डी एक्स इसे हम लिखेंगे वन बाय टू इंटू डी टी, इसे हम साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर बचेगा वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन के बाद एक्स स्क्वायर प्लस फोर बनेगा टी प्लस फोर और एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इसे हम लिखेंगे टी प्लस नाइन। ओके, तो ये इंटीग्रल हमें मिलेगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे जो हमें इंटीग्रैंड मिल रहा है इसे हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे जो कांस्टेंट है इस इंटीग्रैंड में वन बाय टू, इसे हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा इक्वल टू वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वैल्यू, यानी कि वन बाय टी प्लस फोर इंटू टी प्लस नाइन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी टी, और इसे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर वन। अभी यहाँ पे ये जो इंटीग्रैंड है इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सेपरेट लेंगे नाउ कॉमा ये इंटीग्रैंड, यानी कि वन डिवाइडेड बाय टी प्लस फोर इंटू टी प्लस नाइन इक्वल टू, ये बहुत ही आसान है केस फर्स्ट का, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर टी प्लस फोर प्लस बी डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर टी प्लस नाइन, और इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर टू। ओके, तो ये होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम इक्वेशन थ्री बना लेंगे, किस तरह, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर वन इक्वल टू राइट हैंड साइड में एलसीएम का न्यूमरेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा हमें। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए इंटू टी प्लस नाइन प्लस बी इंटू टी प्लस फोर, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा जिसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, तो इस तरह से इक्वेशन थ्री हमें यहाँ पे बनाना है डायरेक्टली। अब इसके बाद हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में हमें दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहे हैं जो इस इक्वेशन में प्रेजेंट है, इन दोनों को हम वन बाय वन ज़ीरो करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले टी प्लस फोर इस ब्रैकेट को ज़ीरो करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे टी की वैल्यू माइनस फोर सब्स्टिट्यूट करेंगे।
हम लिखेंगे पुट टी इक्वल टू माइनस फोर इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी वन, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, यहाँ पे माइनस फोर प्लस नाइन ये होगा फाइव, और फाइव इंटू ए होगा फाइव ए, और सेकंड टर्म में क्या होगा, सेकंड टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, माइनस फोर प्लस फोर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिलेगा वन इक्वल टू फाइव ए, और इस इक्वेशन से हमें ए की वैल्यू मिलेगी वन बाय फाइव। ओके, अब इसके बाद हम सेकंड ब्रैकेट यानी कि जो हमें इस इंटीग्रैंड में जो सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे मिला है क्या है, टी प्लस नाइन, इसे हम ज़ीरो करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू माइनस नाइन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पुट टी इक्वल टू माइनस नाइन इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट, देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू माइनस नाइन सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा वन, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगी और सेकंड टर्म में यहाँ पे माइनस नाइन प्लस फोर यानी कि माइनस फाइव इंटू यहाँ पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस फाइव बी, और इस इक्वेशन से हमें बी की वैल्यू मिलेगी फाइनली माइनस वन बाय फाइव। ओके, तो इस तरह से हमें ये दोनों अल्फ़ाबेट की वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू वन बाय फाइव, बी की वैल्यू माइनस वन बाय फाइव, इन ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये वैल्यू किसकी है, इस इंटीग्रैंड की, यानी कि हम डायरेक्टली इस इंटीग्रैंड की वैल्यू इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए therefore equation वन becomes I equal to ये वन by टू constant as it is into integration, यहाँ पे integrand की जगह पे हम जो partial fraction की value मिल रही है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, a की value वन by फाइव divided by t plus फोर plus b की value minus वन by फाइव divided by t plus नाइन bracket close into dt। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूले, तो क्या होगा, देखिए इक्वल टू ये वन बाय टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़, और इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा ये हमें कंप्लीट ब्रैकेट में लिखना होगा, क्योंकि ये वन बाय टू इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट में लिख देंगे, इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म में वन बाय फाइव कॉन्स्टेंट है, इसे हम सेपरेट लिखेंगे वन बाय फाइव इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, वन बाय टी प्लस फोर, जिसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, लॉग ऑफ टी प्लस फोर डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ टी प्लस फोर, यहाँ पे डेरिवेटिव वन है तो हम उसे नहीं लिखेंगे, और ये इस तरह क्यों इंटीग्रेशन आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। ओके, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म में यहाँ पे प्लस इनटू माइनस ये होगा माइनस, और वन बाय फाइव कॉन्स्टेंट एज इट इज़ इनटू वन डिवाइडेड बाय टी प्लस नाइन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे होगा लॉग ऑफ टी प्लस नाइन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ टी प्लस नाइन, यहाँ भी डेरिवेटिव वन ही होगा तो उसे हम नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके हम ऐड करेंगे कांस्टेंट सी। दोस्तों हमें ये कांस्टेंट यहाँ पे ऐड नहीं करना है, कांस्टेंट कभी भी ऐड करते समय उसे हमें सेपरेट ही लिखना होगा, उसको हमें इन टर्म के साथ मिक्स नहीं करना है। ओके, उसे हम लिखेंगे सेपरेट प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फाइनली यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दोनों टर्म में वन बाय फाइव ये वैल्यू कॉमन है, उसे हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए पहले का कांस्टेंट वन बाय टू और उसके बाद ये वन बाय फाइव कॉमन, यानी कि वन बाय टू इंटू वन बाय फाइव होगा वन बाय टेन, तो इस तरह मिलेगा इक्वल टू वन बाय टेन इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, लॉग ऑफ टी प्लस फोर माइनस लॉग ऑफ टी प्लस नाइन ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस कांस्टेंट सी एज इट इज़, और उसके बाद अगर हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ की यानी कि लॉग ए माइनस लॉग बी, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, इक्वल टू ये वन बाय टेन कांस्टेंट एज इट इज़, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ ए बाय बी यानी कि लॉग ऑफ टी प्लस फोर डिवाइडेड बाय टी प्लस नाइन ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट सी, और आफ्टर बैक सब्स्टिट्यूशन इसका आंसर क्या होगा, आई इक्वल टू ये कांस्टेंट वन बाय टेन इंटू यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट सी, तो ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे
सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड इस्तेमाल करनी है और इसका इंटीग्रेशन इस तरह से निकालना है। तो ये थे हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के रिमेनिंग एग्जांपल। इसके बाद और बहुत सारे एग्जांपल है बुक में दिए गए, जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसे हमने इन दो वीडियो में देखा है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, और भी कई सारे एग्जाम्पल है बुक में, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।